तब लक्षद्वीप की संस्कृति और सभ्यता पर आ गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से स्थितियां बन रही, कहीं ऐसा तो नहीं संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने का काम जो प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात है कि प्रफुल्ल पटेल का जो फैसला है, जब वो बीजेपी नेताओं को ही पसंद नहीं है, बीजेपी मंत्रियों को नहीं पसंद है, इसका साफ मतलब ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल के फैसले से खुद बीजेपी नेता परेशान है। और जिस तरह से मैंने बताया भी था कि जो फैसला लिया गया उस पर बीजेपी नेताओं ने बाकायदा एतराज तो जताया और पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि किस तरह से जो है जो फैसला है उसको हटाया जाए, प्रफुल्ल पटेल को हटाने की बात अब कही जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, यानी कि अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर पीएम मोदी भी जो है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, यानी कि जानकारी उन्हें भी है लेकिन वो चाह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल जो फैसला ले रहे हैं वो फैसला लिया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही हैं, जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में अब क्या मामला खराब होता देख इस पर पीएम मोदी कोई फैसला लेंगे, क्या प्रफुल्ल पटेल को हटाया जाएगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर विपक्षी पार्टियों और सत्ता पक्ष के नेताओं के जो सुर है वो लगभग मिलते जा रहे हैं और इससे बीजेपी के लिए खतरा दिखता नजर आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की ड्राफ्ट रेगुलेशन के प्रपोजल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिए जाने की मांग की गई है। इस आदेशों को राहुल गांधी ने लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा करने वाला बताया। राहुल गांधी ने लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के ड्राफ्ट रेगुलेशन के प्रपोजल को जनविरोधी, अलोकतांत्रिक और कठोर करार दिया। मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग करते हुए गांधी ने कहा कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने निर्वाचित प्रतिनिधियों या जनता से परामर्श के बिना एक तरफा व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा है। शॉर्ट टर्म कमर्शियल गेन के लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्क्रिप्टाइज किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन रेगुलेशन लक्षद्वीप एमिनल प्रिवेंशन रेगुलेशन ड्राफ्ट में बदलाव और शराब की बिक्री पर रोक हटाना लक्षद्वीप के स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, आप इसमें दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों को वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा, महामारी के बावजूद प्रशासन ने मछुआरे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाओं का ध्वस्त कर दिया, विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों को निकाल दिया और क्वारंटीन नॉर्म्स में ढील दी, जिससे कोविड के मामलों में घातक वृद्धि हुई। इससे पहले राहुल गांधी ने लक्षद्वीप के लोगों को अपना समर्थन देते हुए ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश समुद्र में भारत का गहना है और सत्ता में अज्ञानी इसे नष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, नए मसौदा नियमनों के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया गया। लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन विपक्षी नेता का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तटरक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों की झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश दिए। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने फैसला लिया है, उनके फैसले के खिलाफ खुद बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बीजेपी के मंत्रियों ने यहां तक कहा है कि वो इस्तीफा तक दे देंगे अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। यानी कि आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां सीधे सीधे प्रफुल्ल पटेल पर तो निशाना साध ही रही हैं, इसके साथ ही साथ मोदी सरकार पर भी निशाना साध रही हैं। लेकिन वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे की मांग पर अब ना सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता अड़ गए हैं बल्कि बीजेपी के कई मंत्री भी अड़े हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या प्रफुल्ल पटेल को निकाला जाता है, क्या प्रफुल्ल पटेल को उनके पद से हटाया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि बीजेपी के कई मंत्रियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी जिसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया। इसमें कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल पहला ये कि लगता है कि सरकार भी यही चाहती है कि जो प्रफुल्ल पटेल का फैसला है वो सही है। दूसरा ये कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग होती नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां और जिस तरह से बीजेपी नेताओं के सुर में सुर मिलते नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आगामी समय में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और सबसे बड़ी बात
तो है कि मौजूदा समय की अगर बात करें तो जिस तरह से देश की जनता सरकार से नाराज नज़र आ रही है, इसका काफ़ी असर भी देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें, कहीं ना कहीं स्थितियाँ कुछ इस तरह की बनती और दिखाई भी दे रही हैं कि बीजेपी नेताओं का गुस्सा सीधे सीधे प्रफुल्ल पटेल पर फूटता नजर आ रहा है। यानी कि वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल को हटाया जाए, और सीधे तौर पर प्रफुल्ल पटेल को हटाए जाने के बाद जो फैसले लिए गए हैं उन्हें भी तुरंत हटाया जाए, नहीं तो बीजेपी नेता और बड़े स्तर पर काम यानी कि कदम उठाने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो फैसले लिए गए हैं उन्हें हटाए जाते हैं या फिर नहीं। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं लक्षद्वीप से लेके। लक्षद्वीप का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से देखने को मिला कि लक्षद्वीप में संस्कृति को लेकर अब बात चली आई है, बीते दिनों हमने जानकारी भी दी थी, रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, किस तरह से बीजेपी नेता खुद इस्तीफे की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो प्रफुल्ल पटेल का जो फैसला है बीफ बैन करना और तमाम तरह के जो फैसले उन्होंने लिए, उससे ना सिर्फ बीजेपी के लोग नाराज नजर आ रहे हैं, बीजेपी नेता नाराज नजर आ रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लक्षद्वीप में जिस तरह से देखने को मिला है कि संस्कृति और सभ्यता की बात की जा रही है, कि लक्षद्वीप की संस्कृति और सभ्यता को हानि पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है, तो इस पर जो देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि लक्षद्वीप की संस्कृति और सभ्यता को मिटाना कहीं का भी किसी भी तरह से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सबकी अपनी संस्कृति होती है, सबकी अपनी परंपरा होती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लक्षद्वीप की संस्कृति सभ्यता उसको पूरी तरह खत्म करना चाह रही है, और प्रफुल्ल पटेल का जो फैसला है वो किसी भी मायने में सही नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तो प्रफुल्ल पटेल को हटाने की बात कही जा रही है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल को हटाया जाए और जो फैसले लिए गए हैं उनको फौरन जो है उन पर काम ना किया जाए। यानी कि जो फैसला लिया गया है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और किस तरह से, इसमें मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता देता हूँ कि बीजेपी नेताओं का साथ राहुल को मिला, यानी कि जो बात बीजेपी नेता कर रहे हैं वही बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, यानी कि विपक्षी पार्टियों की बात भी वही है और सत्ता पक्ष के जो राजनीति हो रही है पार्टी उसमें भी वही बात है। चले मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, रिपोर्ट आपको दिखाते किस तरह से बीजेपी नेताओं को राहुल का साथ मिलता नजर आ रहा है और लक्षद्वीप की संस्कृति और सभ्यता पर बात चली आई है। देखिए एक खास रिपोर्ट।